हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम बहुत प्यारी सी बेबी फ्रॉक बनाएंगे। 2 ईयर गर्ल्स के लिए हम बना रहे हैं। तो देखिए, मैं इसमें 2 कलर में बना रही हूँ, रेड और व्हाइट कलर में बना रही हूँ। पहले हम रेड कलर लगाएंगे। तो मैं 80 चैन डाल रही हूँ, यानी 80 चैन डाल रही हूँ बेबी फ्रॉक बनाने के लिए। आप किसी भी साइज की बना सकती हैं, इसी तरीके से बनकर आएगी। तो 80 की जगह 85 चैन डाल सकती हैं, बड़े साइज की बनानी है तो। 3 से 4, 4 से 5 ईयर गर्ल्स के लिए 95 चैन आप डालकर बना सकती हैं। तो चलिए, मैं ये 2 ईयर गर्ल्स के लिए बना रही हूँ, 80 चैन डाल रही हूँ। पहले हम चैन बनाएंगे इस तरीके से, और चैन को काउंट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे इस तरीके से। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो चलिए, मैं 80 चैन बनाकर उसके बाद से दिखाती हूँ। देखिए, मैंने 80 चैन बना लिया है। इसके बाद से हम देखिए इस तरीके से 1, 2, 3 वाले चैन में हम डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो गाइज, इस राउंड को हम एक एक चैन में डालते जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये राउंड हमारी इसी तरीके से कम्प्लीट होगी। इसमें सिंपल हमें डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए, इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। बिल्कुल इजी है बनाना इसको, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइज, हमने डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिया, और इस धागे को हमने इधर बांध लिया, इधर ही रहने देंगे। और इधर साइड से हम व्हाइट कलर का धागा लगाएंगे। तो देखिए, इसमें हम इस तरीके से चैन बनाकर लॉक कर देंगे। और देखिए, फर्स्ट वाले चैन में हम डालेंगे इस तरीके से, धागे को हम निकाल लेंगे। थ्री चैन बनाएंगे, 1, 2, 3। और देखिए, उसके पास वाली चैन में हम डालेंगे और देखिए 1, और फिर इसी चैन में हम डालेंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और पूरा हम नहीं निकालेंगे धागे को। देखिए, 1, 2, 3, 4। देखिए, एक ही चैन में डालकर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। 1, 2, 3, 4, 5 धागा हमारी एक साथ निकल कर आएगी। देखिए, इस तरीके से इसको हम निकाल लेंगे। 1, 2 चैन बनाएंगे, फिर आगे वाले चैन स्किप करेंगे और उसके आगे वाले चैन में हम डालेंगे। और देखिए, 1, 2 ये हमारी चैन है और ये हमारी डबल क्रोशिया का है। तो हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन में डालकर। 1, 2, 3, 4। देखिए, हमारी 5 चैन आई है, ये हमारी 4 डबल क्रोशिया का है। तो एक साथ हम निकाल लेंगे इस तरीके से। 1, 2 चैन बनाएंगे, आगे वाला चैन स्किप करेंगे और उसके आगे वाले चैन में डालेंगे। 1, 2, 3, 4। देखिए, एक साथ हम निकालेंगे और 2 चैन बनाएंगे। फिर देखिए, आगे वाला चैन स्किप करेंगे और उसके आगे वाले चैन में डालेंगे, सेकेंड वाले चैन में डालेंगे। 1, 2, 3, 4। देखिए, हमारे जो धागे आ रहे हैं, इसको हम एक ही बार में निकाल लेंगे, 2 चैन बनाएंगे। तो गाइज, इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत इजी है इसको बनाना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमने व्हाइट कलर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद से इधर साइड से हमने धागे को कट कर लिया है। ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये हमारी सीधी साइड है, तो हम सीधी साइड से बनाएंगे। तो देखिए, धागे को हम फिर यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। देखिए गाइज, फर्स्ट वाले हम चैन में डालेंगे
और इस तरीके से हम निकाल लेंगे और थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 3। और देखिए जो ये हमारी पास वाली चेन आ रही है इसमें हम डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। और देखिए बीच में जो हमारी गैप आ रही है हम इसमें डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारी चेन आ रही है इसमें हम डालेंगे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे वाले चेन में हम डालेंगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड हमारी इसी तरीके से कंप्लीट होगी गाइज। देखिए ये अब हमारी चेन आ रही है तो इसमें हम डालेंगे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए जो हमारी गैप आ रही है इसमें हम डालेंगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर इसके पास वाली चेन में हम डालेंगे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो गाइज इसी तरीके से ये हमारी राउंड कंप्लीट होगी। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद धागे को हम यहाँ पे बांध लेंगे, देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे और इसको बांध लेंगे। गाइज बहुत प्यारी बनकर आएगी तो आप जरूर ट्राई करना। और ये राउंड शेप गला है तो चलिए अब हम व्हाइट कलर लगा रहे हैं। तो देखिए इधर से हम व्हाइट कलर लगाएंगे। देखिए फर्स्ट वाले चेन में हम डालेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे। वन टू थ्री चेन बनाएंगे, उसके बाद से देखिए आगे वाले चेन में हम डालेंगे 1 2 3 4। देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद से हम इन सबको एक साथ निकाल लेंगे, 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद देखिए आगे वाला हम स्किप करेंगे और उसके आगे वाले चेन में डालेंगे और एक ही चेन में डालकर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए थ्री फोर, देखिए हमारी 4 डबल क्रोशिया बन गई है। और एक साथ हम धागे को निकाल लेंगे, 1 2 चेन बनाएंगे, फिर आगे वाला स्किप करेंगे और उसके आगे वाले चेन में हम डालकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हम धागे को पूरा नहीं निकालेंगे, इस चेन को हम रहने देंगे, फिर इसी में हम डालेंगे। देखिए 1 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 4, फिर एक साथ निकाल लेंगे, 2 चेन बनाएंगे, आगे वाले चेन स्किप करेंगे, उसके आगे वाले चेन में डालेंगे 1 2 3 4, 2 चेन बनाएंगे। देखिए गाइज हमने बीच वाला जो पैटर्न बनाया व्हाइट वाली सेम इसी को हम रिपीट करेंगे, इस राउंड में हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए मैं पूरी कंप्लीट करती हूँ। गाइज मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए गाइज हमने व्हाइट कलर राउंड कर लिया है और इस धागे को हम इस तरीके से बांध लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए हम रेड कलर लगाएंगे इसमें। थ्री चेन बनाएंगे, उसके बाद से देखिए पास वाली चेन में हम डालेंगे। जिस तरीके से हमने ये राउंड बनाई उसी तरीके से इसको भी हम बनाएंगे, उसी तरीके से रिपीट करनी है। देखिए जो हमारी चेन आ रही है इसमें हम डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद से देखिए ये हमारी चेन आ रही है इसमें हम डालेंगे
वन डबल क्रूशिया बनाएंगे। उसके बाद बीच वाली जो हमारी चैन आ रही है देखिए, इसमें हम डालेंगे टू डबल क्रूशिया बनाएंगे। फिर उसके आगे वाली जो ये चैन आ रही है इसमें डालकर हम वन डबल क्रूशिया बनाएंगे। फिर उसके आगे वाले चैन में डालेंगे टू डबल क्रूशिया बनाएंगे। और देखिए ये हमारी चैन आ रही है, इसमें हम डालेंगे वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो गाइज हम इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइज हमने रेड वाला राउंड भी पूरी कर ली है, ये हमारी फिफ्थ राउंड बन चुकी है। अब हम सिक्स राउंड बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको हम अब ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले चैन में हम डालेंगे इस तरीके से वन टू थ्री चैन बनाएंगे। उसके बाद देखिए आगे वाले चैन में हम डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को हम इसी तरीके से बनाएंगे गाइस, एक एक चैन में डालते हुए हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। बहुत इजी है इसको बनाना, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो देखिए एक एक चैन में डालते हुए हम डबल क्रोशिया पूरे राउंड में घुमा लेंगे। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। और आप भी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से बनकर आएगी। देखिए गाइज हमारी राउंड शेप इस तरीके से बनकर आई हुई है और इसमें हम चार भाग में डिवाइड करेंगे। तो देखिए इधर हम 48 डबल क्रोशिया रखेंगे बैक पार्ट के लिए, और फ्रंट पार्ट के लिए भी हम 48 रखेंगे, और बाजू के लिए 37 दोनों तरफ हम रखेंगे डबल क्रोशिया, काउंट करके हम लगाएंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आएगी। मैंने पिन कर लिया है, मेरे पास यही पिन रखी थी तो मैंने ये लगाई। आपके पास छोटी पिन हो तो आप वो लगा लीजिएगा, कुछ भी इस तरीके से। तो चलिए बनाते हैं। देखिए गाइज हमने ये राउंड कंप्लीट कर ली थी। तो देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे। और देखिए ये हमारी चैन आ रही है, इसमें हम डालेंगे इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे हम वन टू थ्री चैन लेंगे, और देखिए आगे वाली चैन में हम डालेंगे एक एक चैन में डालते हुए हम 24 डबल क्रोशिया बना लेंगे। थ्री फोर फाइव, इसी तरीके से काउंट करते करते हम 24 डबल क्रोशिया बना लेंगे और एक एक चैन में डालते हुए बनाएंगे। तो चलिए मैं 24 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि अब हम बाजू किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हम 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस हमने 24 डबल क्रोशिया बना लिया है, और यहाँ पे हम देखिए इसमें हम डालेंगे, और ये हमने काउंट करके रखी थी। तो देखिए बीच में हमारी आर्म होल के लिए इतना हमारा आर्म होल आएगा, हमारी बाजू बनकर आएगी। तो मैंने 37 डबल क्रोशिया स्किप कर दिया है। यहाँ से हम डालकर डबल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हम 48 चैन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक चैन में डालते जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और काउंट कर लेंगे। हमारी 48 डबल क्रोशिया बनकर आएगी। उसके बाद हम दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। चलिए मैं 48 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। देखिए गाइज ये हमारी दूसरी बाजू है, मैंने 48 चैन बना ली है डबल क्रोशिया। देखिए इसमें डालेंगे, और मैंने दोनों तरफ 37 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे इधर साइड में। देखिए तो हमारी बाजू बनकर आ जाएगी।
देखिए इसमें डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बनकर आएगी। अब यहाँ पे हम 24 डबल क्रोशिया बना लेंगे जो हमारी बैक पार्ट की है। एक एक चैन में डालते हुए हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। देखिए गाइस इस तरीके से हमारी बनकर आएगी, ये ऊपर की टॉप बनकर आएगी। तो देखिए ये हमारी बाजू है पार्ट है और ये हमारी फ्रंट पार्ट है। तो देखिए इस तरीके से बनकर आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी जो चैन आ रही है इसमें हम डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद देखिए आगे वाली चैन में हम डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक एक चैन में डालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। एक एक चैन में डालते जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से बनकर आएगी। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। देखिए हमारी टॉप बनकर रेडी हो गई है और इस तरीके से बनकर आई हुई है। तो देखिए यहाँ से जहाँ से हमने बाजू ज्वाइंट की थी 4 रो डबल क्रोशिया बनाई हुई हूँ, यानी 4 राउंड डबल क्रोशिया बना लिया है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, 1 2 3 4 4 राउंड हमने डबल क्रोशिया बना लिया है एक एक चैन में डालकर। तो इस तरीके से हमारी ऊपर की स्कर्ट बनकर आ गई है और देखिए ये हमारी बैक पार्ट है और ये हमारी फ्रंट पार्ट है। तो देखिए इधर से यहाँ पे हम बटन लगाएंगे रेडी होने के बाद। अब नीचे हम घेर बनाएंगे। तो गाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए हम घेर पार्ट 2 में बनाएंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है। हमारी टॉप बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कितनी प्यारी बनकर आई हुई है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।